नमस्कार। नीट स्कोर यदि आपका 150 एंड एवव हो और ऐसे में आप सोच रहे हो कि एमबीबीएस कैसे करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि यदि आपके स्कोर्स लोअर साइड हैं और आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में, इन द सेंस कि यदि नेक्स्ट ईयर आप शायद मोरलेस थोड़ा बहुत अगर ज्यादा नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको डिसीजन लेना चाहिए इसी वर्ष, और आप प्लान कीजिए कि आप एडमिशन कैसे लेंगे, कहाँ लेंगे, क्या बजट होगा। तो इन सारी चीजों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नीट 2024 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि वो बच्चे जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारे नंबर्स बहुत कम आने वाले हैं, तो वो कितना नंबर स्कोर करें जिससे कि वो क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि लास्ट ईयर में क्या कट ऑफ गया था। तो लास्ट ईयर में अगर देखें, 50% परसेंटाइल आपकी, जो 50% होती है, नॉट 50%, 50% ओपन कैटेगरी के लिए जो नंबर था वो 138 नंबर था। यानी कि 138 नंबर्स अगर आपने स्कोर कर लिया है मिनिमम, तो यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन एनी एमबीबीएस और बीडीएस आयुष कॉलेजेस, राइट। इसी तरीके से अगर ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी अगर आपकी थी, तो आप 40% परसेंटाइल में 108 नंबर्स, आपके लिए वो नंबर था जिस नंबर के बाद आपको क्वालिफाइंग मार्क्स माना जा रहा था, यानी कि आप क्वालिफाइड थे। इसी तरीके से इस बार जो ट्रेंड दिख रहा है, तो मैं आपको कह सकता हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार लो जाएगा और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 125 नंबर्स, आई थिंक 50% होगा, और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए बच्चों को 100 नंबर्स आपकी कट ऑफ होगी, यानी कि पासिंग मार्क्स होगा। तो ये एक्सपेक्टेड नंबर है, प्लस माइनस ये मैं कह सकता हूं कि इसमें 5 नंबर्स आप जोड़ लीजिए, हो सकता है कि 5 नंबर्स इसके ऊपर जाए या 5 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। तो ये है आपका रेंज इस बार क्वालिफाइंग नंबर्स का। अब सपोज, नो डाउट आपके नंबर्स इसके ऊपर होंगे, तभी आप प्लान करेंगे एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीएससी नर्सिंग या किसी भी तरह के कोर्सेज को करने के लिए जो नीट की एलिजिबिलिटी मांगती है। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं कि इस नंबर्स, यानी कि 150 एबव नंबर्स पे आप क्या कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। क्या क्या ऑप्शन है, उन सारे ऑप्शंस को मैं आज यहां पर एक्सप्लोर कर रहा हूं आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि एमबीबीएस के लिए टारगेट करें आप, तो ये नंबर्स, यानी कि 150 नंबर से एबव नंबर्स अगर आप स्कोर कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में आप प्राइवेट एमबीबीएस की सीट के लिए प्लान करेंगे, या फिर डिम्ड कॉलेजेस की प्राइवेट जो सीट्स होती है उसके लिए आप प्लान करेंगे। बीडीएस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना होगा, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो बीडीएस के लिए है वहां पर आप टारगेट करेंगे। इसके बाद आयुष, आयुष में भी आप जो लोअर स्कोर्स हैं, तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ आपको फोकस्ड करना पड़ेगा। तो ये है 3 वर्टिकल जहां पर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। एमबीबीएस कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं और डिम्ड कॉलेजेस भी होती हैं जहां पर लो स्कोर्स में एडमिशन हो जाते हैं। बीडीएस में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप चाहें तो वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। आयुष, जिसमें कि आपको होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, ये सारे जो वर्टिकल्स हैं, इसमें आपको एडमिशन मिल सकते हैं लोअर स्कोर पे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो आयुष मंत्रालय के अंदर आते हैं, आयुष के जो एफिलिएशन पाए हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं बजट का, क्योंकि देखिए, जब लोअर स्कोर होगा तो डेफिनेटली आप प्राइवेट सेगमेंट्स में जाएंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि आपके पास बजट का प्लान क्या है। तो यहां पर भी मैं आपको पूरी ऑप्शंस दे रहा हूं कि यदि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस का प्लान कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा वाइडर स्केल है जहां पर 40 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस लेकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। तो एमबीबीएस अगर आप करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 40 लाख से ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टार्ट होता है और ये लगभग
एक करोड़ तक जाता है। अब ये कहेंगे कि 40 लाख में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कहाँ मिलेगा, तो ये मैं आपको बताऊं कि ये एक्सेप्शनल केस है केरला, जहां पर आपको 40 लाख के आसपास में, 41, 42 लाख, 43 लाख तक में आपको प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा, बट आपके नंबर्स होने चाहिए 55, यानी कि 550 के आसपास का, यानी कि 550 के ऊपर के नंबर्स अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तब तो आपको 40 लाख के आसपास में यहाँ पर कॉलेज मिलेगा, जो कि वो सेमी गवर्नमेंट टाइप के सारे कॉलेजेस हैं केरला में। लेकिन जिसकी रजिस्ट्रेशन भी पहले हो जाती है, तो अनफॉर्चुनेटली वहां पर आपको मौका शायद ना मिल पाए। लेकिन जब हम इसके ऊपर जाते हैं, तो अप टू 75 लाख टू 1 crore के बीच में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अदर स्टेट्स में मिल जाएंगी, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जहां पर 75 to 1 crore के बीच में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। इसके बाद बात आती है कि अगर एमबीबीएस कॉलेज में डिम्ड कॉलेजेस की प्लानिंग करें, तो डिम्ड कॉलेजेस के लिए आपको 60 नहीं 90 लाख एवव और 1 crore से एवव, यानी कि 1.20 crore तक आपको खर्च करने पड़ेंगे एमबीबीएस के डिम्ड कॉलेजेस के लिए। वैसे ही देखा जाए, अगर आप सोच रहे हो कि प्राइवेट बीडीएस करना चाहते हो, तो 15 लाख से 35 लाख के बीच में आपको तमाम मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे इंडिया में, जहां पर बीडीएस आप कंप्लीट कर सकते हैं 5.5 साल का कोर्स। फिर आती है बात प्राइवेट आयुष। देखिए, आयुष मंत्रालय में बीएएमएस की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, यानी कि आयुर्वेदा की, इसके बाद होम्योपैथ है, यूनानी है, तो ये या फिर वेटरनरी है, ये बहुत सारे वर्टिकल्स हैं आयुष के अंदर में, लेकिन जो डिमांडिंग है वो है आपकी आयुष में आयुर्वेदा। और आयुर्वेदा यदि आप प्राइवेट से करना चाहते हैं, तो कम से कम बजट आपका 20 से 25 लाख होगा, और ये लगभग 40 लाख तक जाएगा। इन सारी चीजों के बाद एक बात आती है कि यदि आपने ये टारगेट रखा हुआ है कि नहीं, मुझे सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, और बजट भी एक मेजर इश्यू है आपके लिए, तो वहां पर आपका एक ऑप्शन ओपन होता है, और वो ऑप्शन है एमबीबीएस अब्रॉड, यानी कि इंडिया से बाहर जाकर आप एमबीबीएस करके आए, और इंडिया में या जिस कंट्री में है आप वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इंडिया में भी कर सकते हैं। इंडिया में आने के बाद आपको नेक्स्ट का, यानी कि एक एग्जामिनेशन होता है, अभी तो वो एग्जामिनेशन FMG के नाम से जानी जाती है, तो आप FMG की जगह पे नेक्स्ट एग्जामिनेशन देना होगा, और ये जो एग्जामिनेशन होगा वो इंडिया या अब्रॉड दोनों जगह के बच्चों को ये करना होता है, पास करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया से आप करें या अब्रॉड से करें, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे केसेस में आप FMG के एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, या फिर उसके बाद आप नेक्स्ट का एग्जामिनेशन देंगे, तो इंडिया या अब्रॉड ये सारी जगह पे यही होता है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्लान करते हैं, तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टेट है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए फोकस्ड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, लेकिन ये वो सारे कॉलेजेस स्टेट्स हैं जहां पर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं और लोअर साइड्स में आपको कॉलेज मिलने की चांसेस ज्यादा है। इसके बाद बात हम लोग करते हैं आपके डिम्ड कॉलेजेस का। तो इंडिया में लगभग 52 डिम्ड कॉलेजेस हैं, और इसका बजट 90 से 1.20 crore तक की बात मैंने आपको बताई है। इसके बीच में आपको मौका मिल सकता है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर लो स्कोर्स में आपको एमबीबीएस करने का मौका मिल सकता है। प्राइवेट बीडीएस की अगर बात करते हैं, तो प्राइवेट बीडीएस 15 लाख से 35 लाख के बीच में, और ऑल इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 300 से ज्यादा बीडीएस की कॉलेज हैं। अपने सुविधा के हिसाब से, बजट के हिसाब से आप कॉलेज स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है प्राइवेट आयुष की।
तो प्राइवेट आयुष में अगर देखें तो 20 लाख से 40 लाख के बीच में, लगभग इंडिया में 358 के आसपास प्राइवेट आयुष की कॉलेजेस हैं। आप यहां से आप आयुष के क्लासेस कर सकते हैं, और यहां से आप आयुर्वेदा, यूनानी और एग्रीकल्चर्स यानी कि आपका वेटनरी, आप ये सारी कोर्सेस करके आप अपना करियर बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने एमबीबीएस अब्रॉड की। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप विदेश से करना चाहते हैं तो इसमें चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, रशिया, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर आप जाके एमबीबीएस कर सकते हैं, और लाखों बच्चे इन सारे कंट्रीज में पढ़ के इंडिया में आकर अपना करियर एस्टैब्लिश किया है और जॉब कर रहे हैं। सक्सेस स्टोरी काफी है इन कंट्रीज से पढ़ के आने वाले बच्चों का, और बहुत अच्छा अपना करियर सेट कर रहे हैं। अगर इसी सिलसिले में अगर हम लोग कंट्री वाइज बात करते हैं तो आपको मैं बताऊं कि यदि आप नेपाल में जाकर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको 45 लाख रुपए से 50 लाख, 55 लाख के बीच में आपका बजट जाएगा, और आप ट्यूशन फी, हॉस्टल चार्जेस के साथ इतने अमाउंट में आप एमबीबीएस कर सकते हैं। चाइना की बात आती है तो 30 से 35 लाख के बीच में रहना, खाना और पढ़ाई, ये सारी चीजें आप लगभग इस बजट में चाइना से कर सकते हैं। इसके बाद बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश में 30 से 40 लाख रुपीज कॉस्टिंग आपको आएगी, और यहां से भी आप एमबीबीएस कर सकते हैं। जॉर्जिया है, जॉर्जिया, तो यहां से आप 30 से 35 लाख रुपीज के बीच में आप एमबीबीएस कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है किर्गिस्तान, जो 22 लाख से 25 लाख के बीच में, रशिया 25 से 35 लाख के बीच में। अब आपका बजट काफी फ्लेक्सिबल हो गया है उन तमाम बच्चों और पेरेंट्स के लिए जिनके नंबर्स लोअर साइड में हैं और उनको लगता है कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, तो या तो आप इंडिया से या इंडिया के बाहर से कहीं से भी आप एमबीबीएस करके अपना करियर सेट कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, ये नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहां से आपको एमबीबीएस अब्रॉड की पूरी जानकारी मिलेगी और आपको फुल असिस्टेंस मिलेगा कि किस तरीके से आपको वीजा, पासपोर्ट, एडमिशन लेटर, सारी चीजों की जानकारी यहां पर मिलेगी। लाखों बच्चों का भविष्य विदेशों के एमबीबीएस के बाद इंडिया में सेट हुआ है। आप भी अपना करियर प्लान कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि एमबीबीएस आपका ड्रीम है और आपके बजट थोड़ा चैलेंजिंग है, बजट ज्यादा नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी कंट्री चूज कर सकते हैं। और कोई डिटेल ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे 9931493631 पर आप कांटेक्ट कीजिए और आपको पूरी जानकारी मिलेगी कहाँ, कैसे, क्या क्या पेमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, फेज वाइज आपको कितनी जरूरत पड़ेगी, कहाँ पर कितना पेमेंट देना होगा, पासपोर्ट्स की जरूरत होगी, वीजा का, आपको सीट अलॉटमेंट्स का लेटर्स, कॉलेज अलॉटमेंट्स या कॉलेज से रिलेटेड डिटेल, या फिर पहले के जो बच्चे पास आउट होके इंडिया में सेटल्ड हो चुके हैं उनके भी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। पूरी तरह से आपको काउंसलिंग के सपोर्ट्स मिलेंगे। आप इंडिया के किसी कोने में हो वहां आपको सपोर्ट मिल जाएगी। हमारा जो ऑफिस है वो पटना, लखनऊ और नोएडा, ये तीन लोकेशन पे है। तीन लोकेशन में आपको फिजिकली आप टच कर सकते हैं या फिर ओवर द फोन आप सारी जानकारी ले सकते हैं और आप अब्रॉड में भी एडमिशन करा सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यही नंबर वो फाइनल नंबर है जिस नंबर से आपको ये सारी सर्विसेज मिलेंगी। अब आपको कोई अगर विशेष जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी ज्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी पेरेंट्स और बच्चे को चाहिए तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।